आप देख रहे हैं वॉइस टुडे टीवी नेटवर्क्स और मैं आपका होस्ट सैयद उस्मान अली। बालापुर कुतुबशाही अफराद खानदान की खबूर की चोरी शहर हैदराबाद में जंगल की आग की तरह फैल गई, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वक्फ बोर्ड के सीईओ को इस बात की इतला नहीं, जो कि बड़ी ताजुब वाली बात है। तो आइए बात करते हैं इसी सिलसिले में मशहूर सामाजिक कारकुन जनाब उस्मान मोहम्मद खान से, जिन्होंने लैंड माफिया के चेहरों से नकाब उठाने के लिए कमर कस ली है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं तेलंगाना स्टेट का बोर्ड आया 9 सितंबर 2019, चीफ एग्जीक्यूटिंग ऑफिसर से मिला और उनसे मिलने के बाद मालूम हुआ कि उनको बालापुर रोशनउद्दौला की कुतुबशाही मज़ारों के बारे में कुछ मालूम नहीं है और वहाँ की वक्फ जायदाद के बारे में कुछ अभी मालूम नहीं है। शायद ना उन पेपर पढ़ रहे, ना न्यूज़ देख रहे, ना हमारे एप्लीकेशन देख रहे। मैं उनको ये भी बोला कि चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम साहब इस पर बयान भी दिए कि कोई वहाँ की जायदाद खरीदना नहीं, उसके बावजूद भी उन्होंने बोल रहे हैं वो चेयरमैन को मालूम है, आपको मालूम है। तो ये हम आपको वक्फ बोर्ड में रिस्पॉन्स मिल रहा और हम यहाँ पे अपने मफाद के लिए नहीं आ रही, वक्फ जायदाद बचाने के लिए आ रही। मैं ये बोला कि मैं रहता हूँ मेहंदीपट्टनम नामपल्ली में और वो ज़मीन है बालापुर में, इंक्रोचमेंट हो रहा, तो मेरे को बोल रहे ऐसे कई ज़मीन इंक्रोचमेंट हो रही, सबको देख लेते बैठना क्या, जबकि जो चेयर पे बैठ के हमीद साहब आप रोटी खा रहे हैं वो वक्फ के जायदादों को बचाने के लिए खा रहे हैं। आप सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिंग ऑफिसर, आपका रिस्पांस ये है तो बाकी के वक्फ बोर्ड के वहाँ के स्टाफ का क्या रहेगा। तेलंगाना गवर्नमेंट से अपील कर रहा हूँ मैं कि वक्फ बोर्ड का स्टाफ चेंज करिए, नौजवानों को नौकरी दीजिए। इतना खुला मैं पूरी फाइल लेके आया, 500 पेज की फाइल है बालापुर की, जो वक्फ बोर्ड के पास रिकॉर्ड नहीं होगा मैं पूरी फाइल लेके आया। ये फाइल आपको मदद मिलेंगी, ये फाइल से होता आपको अगर देने का शौक है फाइल तो आप दे दो। ये बोल रहे हैं, ये लेटर्स दिया मैं जो ग्रेवयार्ड से तोड़ दिए, चलिए दूसरे का कब्जा होगा, ज़मीन पे दूसरे का कब्जा होगा, लेकिन जो ग्रेव्स तोड़ दिए क्या उस पर पुलिस केस नहीं होता, क्या आर्कोलॉजी वाले उस पर केस नहीं कर सकते, क्या वक्फ बोर्ड उस पर केस नहीं कर सकता, क्या वहाँ का सो कॉल्ड MLA वहाँ पर उस पर केस नहीं कर सकता। किसी के मज़ारात को मिटा दिए बाद एक दौर के बादशाह जो बानी है हैदराबाद के, उसके बच्चों के मज़ारात मिटा दिए बाद एक पुलिस कंप्लेंट नहीं कर सक रही वक्फ बोर्ड, इतनी आपाज और नुली हो गई है। आज मैं पूरी फाइल लेके आया, एक कलेक्टर का लेटर, कलेक्टर की पेशी में भी मैं डाला कि कैंसिलेशन करो पट्टा उसका, हाँ, और 19 तारीख 10वें महीने में वकील अपॉइंट करना है, वकीलों के भी पास जाके फिर रहे, मतलब इसमें पर्सनल इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि आपकी खुद की जायदाद नहीं है, ये वक्फ की जायदाद है। मैं अपील कर रहा हूँ लोगों से, नौजवानों से, आप लोग आगे आओ, नौजवानों को नौकरी दो वक्फ बोर्ड में। शर्म की बात है, मैं अपने 4 घंटे से यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, ना सीईओ के पास टाइम है, उसके बाद भी इतनी फाइल दे रहे तो लेने को तैयार नहीं है, अगर आपको देने का शौक है तो दो बोल रहा हूँ। लिहाजा ऐसे सीईओ के ऊपर भी एक्शन लीजिए और चेयरमैन जो खुद वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है उन्होंने बोले कि नहीं लेना वहाँ पे प्रॉपर्टी, तो उसको भी उन्होंने नज़रअंदाज कर दे रहे, वो चेयरमैन का मामला है बोल रहे। लिहाजा मैं हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब से अपील करूंगा, ज्यादा जायदाद ओल्ड सिटी में वक्फ बोर्ड की लुट रही है, कब्रस्तान मिट रहे हैं, जायदादों पे प्लॉटिंग हो रही है, लिहाजा आप लोग भी एक्शन में आइए, आप साइट पे विजिट करिए, साइट पे विजिट करके बोलिए लैंड नहीं लेना। वक्फ बोर्ड के ऑफिसर में उतना दम नहीं है, कहीं से रेंट कलेक्ट नहीं कर सकता बेचारा, कई लैंड है हमारे वक्फ बोर्ड के, कुछ फायदा नहीं पहुंचा जा सकें, लोगों को बसा दो भाई, जहाँ किराएदार है नहीं देना तो किराया, आज नहीं कल कल नहीं परसों परसों नहीं तरसों देना है सो किराया, किराएदार तो बना दो, जगह तो ऑक्यूपाई करा दो, जो जिसको बेरोजगार है उनको रोजगार दिला दो, जिसको घर नहीं है उनको घर बना के दे दो, वक्फ बोर्ड की जमीन पे कंपनीज डालो, वक्फ बोर्ड की जमीन पे मल्टीनेशनल कंपनीज डालो, फायदा होता कौम को, मंशा है वक्त के हिसाब से उसके पैसे डिस्ट्रीब्यूट करो। दुबई के शेख जैसे रह सकते हैं आप लोग, वैसा रह सकते हैं मेरे भाई, अगर वक्फ बोर्ड पे सही काम करे तो, ये आपकी जायदाद है और आपको उसका हक मिलना चाहिए। हमारी माशी हालत भी बहुत बुरी है, अरबों करोड़ों रुपए की जमीन है हमारे पास, हम उसका फायदा नहीं उठा रहे। मैं फिर अपील कर रहा हूँ आवाम से कि आप लोग आगे आइए, मेरे से जितना होता बिल्कुल करूंगा, अल्लाह को मेरे को जवाब देना है, अल्लाह मियां मैं खड़ा था कम से कम बोल के बोलूंगा, आप लोगों से भी अपील कर रहा हूँ आगे आइए, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। आप देखते रहिए वॉइस टुडे टीवी नेटवर्क, ताकि आप रहे हर खबर से बाखबर। जब तक के लिए दीजिए सबा आफरीन को इजाजत, अल्लाह हाफिज, जय हिंद।